प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 9 बजे अमेरिका भारत के बीच रणनीतिक और साझेदारी फोरम के तीसरे सम्मेलन का संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखेगी मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री। चीन को मिल सकता है बड़ा इशारा। भारत और चीन के बीच आज फिर ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत संभव। लगातार 3 दिन तक घंटों तक चली बातचीत रही बेनतीजा। सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा गया। चीन, भूटान और नेपाल बॉर्डर पर आईटीबीपी और एसएसबी को चौकस रहने के निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों का ऑपरेशन ब्लैक टॉप। 29 से 30 अगस्त की रात भारत ने उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया जिन पर 1962 के बाद भारतीय सेना कभी मौजूद नहीं रही। यहां से चीन के मौजूद सैनिक मुख्यालय तक रखी जा सकती है नजर। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन का नया झूठ। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का दावा। किसी देश की 1 इंच जमीन पर चीन ने कभी कब्जा नहीं किया, कभी भी किसी को युद्ध के लिए नहीं उकसाया। भारत सरकार ने चीन के 118 और मोबाइल एप्स पर पाबंदी लगाई। इनमें सबसे खास नाम गेमिंग ऐप पबजी का, लिविक, लूडो ऑल स्टार, वी चैट और कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर भी पाबंदी। सरकार ने इन्हें सुरक्षा और गोपनीयता के लिए खतरा बताया। 3 दिनों के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। 8 देशों के प्रतिनिधियों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। आज रूस के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की अहम मुलाकात। सोशल मीडिया के राजनीतिक दुरुपयोग के मामले में फेसबुक इंडिया के प्रमुख की पेशी। संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए अजित मोहन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर मांगी गई सफाई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए। कोरोना संक्रमण के बीच संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से होगा शुरू। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकसभा सत्र के पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा सदन का सत्र और 15 सितंबर यानी एक दिन बाद सदन का सत्र 3 बजे से शाम 7 बजे तक। भारत और बांग्लादेश के बीच नए जल मार्ग को शुरू किया जाएगा। त्रिपुरा के सोनामुरा और बांग्लादेश के दाऊदकंदी के बीच पानी के जहाज चलेंगे। दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष तौर पर फायदा होगा। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कोरोना काल में पीएम मोदी का ये संबोधन वर्चुअल होगा। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 22 सितंबर को चीन और 25 सितंबर को पाकिस्तान का संबोधन होगा। कई अहम मुद्दों पर नजर रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। लोन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। कर्ज के वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग पर बात होने की पूरी उम्मीद। मॉरेटोरियम के मुद्दे पर भी चर्चा की खबर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत और भाई शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। कल इंद्रजीत चक्रवर्ती से 10 घंटे पूछताछ हुई। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और केशव से भी सीबीआई ने सवाल किए। मुंबई का ड्रग पैडलर जैद गिरफ्तार। अब तक 3 ड्रग पैडलर पर शिकंजा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। विकास सिंह ने कहा कि 2019 तक सुशांत ठीक थे लेकिन रिया चक्रवर्ती के उनकी जिंदगी में आने के बाद सुशांत की मानसिक स्थिति बिगड़ी। सुशांत के इलाज की बात भी छिपाई गई। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए विदेशी जमातियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विदेशी जमातियों की वतन वापसी पर सस्पेंस बरकरार। केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर उनका वीजा रद्द कर दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्रीराम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य राम मंदिर का नक्शा पास किया। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रस्तावित राम मंदिर परिसर का नक्शा प्राधिकरण को सौंपा था। सभी संबंधित विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद कार्रवाई की गई। नई दिल्ली स्टेशन के कायाकल्प का नया प्लान तैयार। अगले 4 वर्षों में एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन को भव्य रूप दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 5 सितारा होटल समेत कमर्शियल सेंटर भी बनेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 37 लाख से ज्यादा हुआ। 24 घंटे में 78,357 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,045 मरीज संक्रमितों की मौत हो गई। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 76.98% हुआ। अनलॉक 4 के दौरान दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2,509 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 19 लोगों की मौत हो गई। 1,858 लोग ठीक हुए। दिल्ली में अभी 16,502 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में 14 वर्ष की नाबालिग लड़की से रेप की वारदात, पीड़ित का पड़ोसी है आरोपी, माँ बाप की गैर मौजूदगी में धोखे से बुलाकर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 25,000 रुपए का वांछित अपराधी राममंगल यादव गोली लगने के बाद गिरफ्तार, 9mm की पिस्टल, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई, आरोपी के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, अनियंत्रित गाड़ी शराब के ठेके में जा घुसी, गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा, स्थानीय लोगों के साथ जुटा प्रशासन, पानी को रोकने की कोशिश जारी, एनडीआरएफ की 22 सदस्य टीम मौके पर बुलाई गई, कई गांव के लोग परेशान। यूपी के आगरा में सेक्स रैकेट चलाने वाले गैंग का मुख्य आरोपी आकाश वर्मा गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक कई शहरों में फैला था नेटवर्क, कई देशों की करेंसी जब्त की गई, 4 मोबाइल फोन से देह व्यापार के सबूत मिले हैं, आकाश के साथियों की तलाश में पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, सैकड़ों लीटर नकली दूध बरामद किया गया, पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरा आरोपी फरार हुआ, नकली दूध बनाने का सामान मिला। मैक्सिको में एक अज्ञात हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग बुरी तरीके से घायल हुए, जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.